हमारे को डाइट को तो सोच दिया था आप ये नहीं बोले थे मैं बात नहीं बैठे हैं जैसे अलजी साहब हैं इसी बड़ा चलो भाई सियासतदानों को भी धोखा दे रहे हैं कि उनके सामने जमा हो। मैं खालिद इकबाल राजा जहांगीर खान बाग मेहताब का रहने वाला हूँ। हमारी पुश्तनी ज़मीन है रैयारी यच में, जो कि हम एक हिसाब से तीसरी पीढ़ी के पास है। आज तक हम उसमें खेती बाड़ी करते आए हैं और कर भी रहे हैं। यहाँ पे एक अब दो तीन बंदे माफिया के आए, जिनमें वो महीदीन हजाम है, फयाज हजाम है, उनके बच्चे रिश्तेदार, इन्होंने आके हमारे दो कनाल ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया और कोर्ट में साथ में हमें भी घसीटा। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट का स्टे आया, स्टे कोर्ट ने वैकेट कर दिया, हमें फिर पोजीशन मिल गई। फिर उन्होंने वायलेट किया, फिर हम गए कोर्ट के पास, फिर उन्होंने कल जब हम ज़मीन पर गए, हमारा काम ही है जाना, वहाँ हमने देखे उन्होंने फिर तारबंदी की है। हमने ये बोला कि अगर आप ही ने केस किया है, अपील की है, अपने स्टेट्स को हमारा मेंटेन करवाया हमसे भी इनसे भी, तो आप कैसे वायलेट कर रहे हो। वो हमें पूरा अंदाज़ा है कि वो एक ग्रुप में बैठे हुए थे कि ये आएंगे, हम इनकी पिटाई करें। मेरे ख्याल में कत्ल करने का भी पूरा मंसूबा बना रखा था। वो अनफॉर्चुनेट हमारे कुछ रिश्तेदार उधर दूध पथरी गए हुए थे और कुछ ये टूरिस्ट गाड़ियाँ, बड़ी मुश्किल से हम जान छुड़ा के आए इन भाई साहब को। हाँ कि आप जो ज़मीन ये आपकी ज़मीन बिकवा देंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे, मुकदमे का कोई ताल्लुक नहीं है। तो लेकिन हमारा तो पुष्ट नहीं है, हम क्यों बेचें। हाँ पुलिस ने एफ आई आर 6 बंदों के खिलाफ एफ आई आर काटा।